Sir, we raised to oppose the introduction of this bill. There are a lot of concerns of the Muslim community. So we want the Muslim community to be taken into consideration before this bill goes any further, sir. I totally agree with the concerns raised by OACG. I think they need to be addressed. Thank you for this opportunity. P. Subbarayan. P. Subbarayan. Speaker, sir. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் இந்த பில்லை நான் முழுமையாக வலிமையோடு எதிர்க்கிறேன். இது அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானது. நான் தங்களை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, இயற்றப்படுகிற சட்டம் அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானதாக இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுகிற கடமையும் தங்களுக்கு உண்டு. எனவே இது அரசியல் சட்ட அடிப்படையில் செல்லத்தக்கதல்ல என்பது தெளிவாக தெரிந்ததற்கு பின்னரும் இதை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் இவர்கள் ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பை வழிநடத்துவதற்குரிய தகுதியை இழந்து விட்டார்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. என அது மட்டுமல்ல, वक्फ संशोधन बिल जो लोकसभा में पेश किया किरण रिजिजू ने, और उसके बाद इस बिल को लेकर जो अलग अलग सांसद हैं अलग अलग दलों के, वो अपनी बात रख रहे हैं इस समय. देखिए, अभी विस्तृत चर्चा तो नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उस पर ये क्विक रिएक्शन सभी सांसदों के आ रहे हैं. और अभी तक जो तस्वीर साफ हो रही है, वाईएसआर कांग्रेस उसने भी इस बिल का विरोध किया है. वाईएसआर कांग्रेस भी विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाते हुए इस बिल के विरोध में समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं यहाँ पर. ये बिल, जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल. क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी. मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं. यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि इनकी जब भी सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुलजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था. तभी इनको पता नहीं था, इनको याद नहीं आया. तभी इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया, तभी इनको फेडरलिज्म याद नहीं आया. लेकिन आज इस देश में जब एक कानून से ये देश चलेगा तो अलग कानून की जरूरत यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जुडिशरी पे, यहाँ पर कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है. मैं यहाँ पर इन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा, इस बिल में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देने का काम सरकार ने किया है. मैं इनको 1986 में लेके जाना चाहूंगा कि जब शाहबानों को इस सदन ने न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम भी इन्होंने किया, इन्हीं कारण से किया. और आज ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी. मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून पे चलता है. यहाँ पर इस देश में अलग अलग, जब भी 370 हटाया गया कश्मीर से तभी भी इन्होंने विरोध किया, जब भी 3 तलाक हटाया गया तभी भी इन्होंने विरोध किया, और आज फिर से जो है यहाँ पर विरोध करने का काम कुछ सर खत्म कर रहा चुनिंदा लोग यहाँ पर कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता है आज इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी. एक तो ये जो वक्फ है वो थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में. वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है. और पूरे हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए. इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक
समाज खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो बिल का समर्थन करें और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को जो पीछे ढकेलने का काम आप कर रहे हैं उसको फिर से मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम बच्चे हो, मुस्लिम समाज हो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, काम करें। धन्यवाद। ये बहुत ही एक नाजुक विषय है और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूँगा कि सरकार उसका संज्ञान ले। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29 उसका संज्ञान लें। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्य बद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। देखिए माननीय सदस्य प्लीज, एक मिनट, ऐसे नहीं। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी दलों को के लोगों के प्रमुख लोगों को इस पर बोलने का पर्याप्त समय दिया, सबने अपनी बात पर्याप्त बात रखी। अब मैं चाहूँगा कि मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इस पर अध्यक्ष महोदय जी, आपने कई इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया, यहाँ उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहाँ उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूँगा। और मैं ये मानता हूँ, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहां उठाया। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक, किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन का बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें
हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मैंने कहा है, सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया, बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सर, ये वक्त अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर, काफी अमेंडमेंट होने के बाद, मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वफ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था, जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। सर, 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रावधान लाया गया था, उसको कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका असेसमेंट किया, उसको देखा है कि वाकई 1995 का वक्त अमेंडमेंट बिल क्या ठीक है, काफी है, जिस पर्पस के लाया गया वो सर्व कर रहे हैं। कई कमिटियां, कई लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस किया है सर, मैं उसका आपके सामने में अभी रखूंगा, लेकिन ये पाया गया है कि 1995 का वक्त अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है, और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे, और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है, उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है, और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का,
बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। सर सबसे पहले मैं सर जो खामियां ये 2014 से लेकर के आज तक ये 1995 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हमसे पहले कांग्रेस के जमाने में भी कई यहाँ इस मुद्दे को लेकर के कमिटियां और अलग अलग जगह में इसका विवरण किया गया है। सबसे पहले सर 1976 में वफ्त इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था, और 1976 वफ्त इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया है मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है सारा वक्फ बोर्ड्स जो है मुतवालीस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट का दूसरा रिकमेंडेशन है लिटिगेशन और केसेस जो आपस में मतभेद इतना ज्यादा है उसको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को गठन होना चाहिए, उस समय का रिकमेंडेशन था। फिर उसने तीसरे पॉइंट ये कहा कि ऑडिट और अकाउंट्स, वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए, ये उस समय का रिपोर्ट ने कहा गया है। और आखिरी में इट रिकमेंडेड द रिफॉर्म्स इन द कैटेगरी ऑफ वक्फ अल औलाद, बच्चों के लिए जो हम वक्फ देते हैं उसको सुधार लाना चाहिए, ये 1976 का रिपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद सर जो हम आज थोड़ा विस्तार में जिसको मैं बताना चाहता हूं दो कमेटियों के बारे में, ये दो कमेटी कांग्रेस के समय में ही बनाया गया था। सबसे पहले हाई लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सचर, यह सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था, यूपीए का सरकार आ चुके थे, और यह स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए उनके वेलफेयर के लिए यह गठन हुआ। और सचर कमेटी का जो रिपोर्ट है यह हम सब मालूम है, मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं। सचर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है, ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, और इसको एफिशिएंट तरीके से मार्केट तरीके से जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्त प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा उस सचर कमेटी ने तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं क्योंकि वो कमेटी का रिपोर्ट है और मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सचर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है, ये एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है। सबको मालूम है वक्फ के पास कितना प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास और कितना आमदनी है। दूसरा सर सचर कमेटी का रिकमेंडेशन, सचर कमेटी ने आप यूपीए का समय में ही आपने कमेटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया, उसमें कहा गया कि अभी जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है उसको ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए, जो लोग मेंबर होते हैं जो लोग इस कमेटी में जिस वक्फ बोर्ड में है उससे काफी नहीं है, इसलिए इसका ब्रॉड बेस होना चाहिए,
रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, यह सचर कमिटी का रिपोर्ट का पहला नंबर पॉइंट। इसमें सर दो महिला सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, यह भी सचर कमिटी का ही रिकमेंडेशन है। सेक्रेटरी जो होते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस स्तर का ऑफिसर होना चाहिए। उसमें अंडर सेक्रेटरी का जूनियर ऑफिसर लेवल जो बनाया है उसको आप रैंक को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक उसको उठाना चाहिए, ये उसी कमिटी का रिपोर्ट में आया है। और जो स्टेट में वक्फ बोर्ड है उसमें क्लास वन ऑफिसर होना चाहिए। सचर कमिटी ने सीधा सीधा ये कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए। हम आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं ये उसी सचर कमिटी का रिपोर्ट के अनुसार सेम पर्सन हम यहाँ आपके सामने में लाया जा रहा है। और आपको तो खुश होना चाहिए, ये कमिटी आपने बनाया सर। हमने करके दिखाया सर, ये सर हमने शांति से इनकी बात सुना। अध्यक्ष महोदय जी, ये सीनियर मेंबर है, इस तरह से बीच बीच में उठ के बोलना ठीक बात नहीं है, आपको तो नियम मालूम है सर। दूसरा कमिटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिसका अध्यक्षता के रहमान खान जी, तो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी मंत्री रहा है, उनके डिप्टी स्पीकर भी रहा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में रहा है, और उन्हीं के अध्यक्षता में पूरा पार्टी के सदस्य हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी मेंबर थे उस जेपीसी में सर सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, वहाँ मैन पावर टोटली इनसफिशिएंट है, इनकम्पिटेंट है, और फंड इतना कम है, सही मैनेज नहीं किया गया है, इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है। दूसरा मुटावाली इसके बारे में कहा है कि लगता है सारा वक्फ बोर्ड का ध्यान किसको मुटावाली बनाना है और उसको कैसे हटाना है इसी में केंद्रित है, इसलिए उसका प्रावधान को हटाना चाहिए। फिर कहा गया है डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसको प्रॉपर से मेंटेन करने का भी प्रावधान वक्फ बोर्ड में नहीं है, उसको किया जाना चाहिए। और वक्फ बोर्ड मौजूदा जितना है देश भर में उसको फिर से सर्वे होना चाहिए, और गरीब मुसलमानों के लिए और वक्फ बोर्ड का अपना अंदर में सही चीज का, चाहे वो लीगल मैटर हो और कोई भी चीज हो, उसका एक्सपर्ट्स लॉयर्स वहां उनका एक्सपर्ट लोगों का और भी लोगों को अंदर लाने का जरूरत है ताकि वो ज्यादा चुरुस्त दुरुस्त हो सके। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का और सजेशन है टोटल वक्फ बोर्ड को कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए, डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना चाहिए, और म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में होना चाहिए जितना भी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। ये सचर कमेटी ने और ये सॉरी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया। और सर आप सबको भी एक बार वो कमेटी का रिपोर्ट मैं आपको ही दे देता हूं ताकि आप भी पढ़े फिर से। और सर टोटल जो 1995 वक्फ एक्ट को फिर से मजबूती से रीलुक करना चाहिए, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ही रिपोर्ट है। और एक आपने अपॉइंट किया, अब देखिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, आपको मैं मेंबर का नाम भी दे देता हूं, चेयरमैन का तो नाम मैंने बता दिया, आपका वरिष्ठ नेता थे, आपने अपॉइंट किया, ये सारा रिकमेंडेशन आज आप तो हमको शाबाशी देना चाहिए, जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में, सारा का सारे प्रॉब्लम्स, सारा का सारा सजेशन ये उस समय सबको मालूम कर चुके हैं, इसलिए सर राहुल जी कन्विंस हो ये मनी मन में सब कन्विंस है, ये राजनीतिक दबाव में अपोज कर रहे हैं, अंदर अंदर सब लोग समर्थन दे रहे हैं, ये मुझे मालूम है अध्यक्ष मोदी जी।
गांधी सहमत होते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी तो अभी बाहर निकले हैं, लेकिन सहमत देख कर गया है कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सर मैं इसी बीच कुछ इंडिविजुअल केसेस और कंसल्टेशन जो हम आज बिल लाया है, कुछ सदस्यों ने कहा है कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था। आपको मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं, जितना कंसल्टेशन प्रोसेस पिछले 10 सालों में किया गया है, आज तो किसी सरकार ने इतना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा, अभी आप सिर्फ शांति से सुनिए। सर मैं फिर से कहता हूं, जो संविधान का हवाला दे करके बिल का जो पर्पस को, मंशा को गलत धारणा दे करके मिसलीड करना चाहता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, सर अगर कोई भी बोर्ड हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर कुछ काम ऐसा करता है जिसको कोर्ट में रिव्यू करना है, तो इसमें सर गलत बात क्या है? अगर ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है, अगर उसमें कोर्ट में अपील करने का प्रावधान देते हैं, उसमें गैर संवैधानिक कैसे हो गया ये बताइए आप। आप अगर तर्क रखते हैं तो आप उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा सर। अगर सर ऐसे केसेस में अभी बताने वाला हूं कि कितने सालों तक वक्त बोर्ड में बैठे वाले लोग आपस में तालमेल करके और ट्राइब्यूनल में मैटर दे देते हैं और ट्राइब्यूनल अपने तरीके से या पेंडिंग रख देते हैं या दूसरे तरीके से फैसला देते हैं, इसका चैलेंज आप किसी अदालत में नहीं कर सकते हैं। सर लोकतंत्र में, भारत जैसा महान देश में, क्या ऐसा व्यवस्था इतने सालों तक चलना चाहिए? सर वो गुमराह करे, वो ऐसा तरीका बनाया, ऐसा तरीका बनाया इन्होंने कि ट्राइब्यूनल, सर ये इस तरह से आप लोग बात करके मेरा आवाज नहीं दबा सकते हैं, सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि सर तरीका ऐसा बनाया कि ट्राइब्यूनल का जजमेंट का रिव्यू नहीं हो सकता है। कितने कोर्ट में पेंडिंग है वो तो मैं आपको बताऊंगा। सर दूसरा इन्होंने संविधान का हवाला दिया, सर इन्होंने संविधान का बार बार हवाला दिया। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं, संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था। सर क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए? सर जो मैं यूएई के बारे में बताना चाहता हूं, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, यहां से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था, और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया और बाकी जो भी करना था कर लिया। यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। और सर ऐसा कई केसेस है, मैं अभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, ये फैक्चुअल चीज है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है आपका जमीन है, आप किसी को क्या करना चाहता है मैं उसको नहीं कह रहा हूं, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने अपना विल, अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है, तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए? सर